Hello students, so today we are talking about Vishwa Bharati University and what is the update regarding the admission process. So चलिए शुरू करते हैं guys. तो first of all आपको general test में जाना है. General test के अंदर हमें कुछ ना कुछ urgent notice दिखेगा regarding the internal sliding के. ये एक notice आ रखा है. क्या आ रखा है भैया? Notice regarding the tentative schedule of UG program for Vidya Bhavan internal. ये क्या है यार, ये शिक्षा भवन इंटरनल पाली, ये शिक्षा भवन एक्सटर्नल इन विश्व भारती 28 अक्टूबर. तो गाइस दिस इज द नोटिस और इसके अंदर क्या मेंशन किया गया है. रिवाइज नोटिस फॉर टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ काउंसलिंग. तो गाइस ये जस्ट लाइक ये नोटिस काफी पुराना हो गया. वैसे इसके बाद कोई भी नोटिस नहीं आया. एंड वेरिफिकेशन फॉर्म आफ्टर सिलेक्शन इन काउंसलिंग एंड उसके बाद पेमेंट गाइडलाइन आफ्टर सिलेक्शन इन काउंसलिंग. तो अपन सारे ही देख लेते हैं क्या क्या सिस्टम है सारा. तो इसके अंदर ये लिखा गया है, क्या लिखा है, क्या गाइडलाइन दी है. तो जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर वर्चुअल या ऑनलाइन काउंसलिंग लिस्टेड कैंडिडेट रैंक वाइज एडमिशन फॉर ऑल द कोर्सेज. तो फर्स्ट ऑफ ऑल एडमिशन जस्ट लाइक एडमिशन सेशन एंड प्रोसीड डिसाइडिंग द डिपार्टमेंट एंड वर्चुअल काउंसलिंग के ऊपर आपको जो है मैंडेटरी है वहाँ पे अपियर होना. शेड्यूल विल बी नोटिफाइड ड्यू टू कोर्सेज पोर्टल एंड अलॉटमेंट ऑफ सीट टू कैंडिडेट विल बी मेड स्ट्रिक्टली इन ऑर्डर ऑफ द मेरिट लिस्ट. आपकी जो यार वर्चुअल काउंसलिंग है वो जूम प्लेटफॉर्म पे होगी. सो कैंडिडेट आर रिक्वेस्ट टू डाउनलोड द जूम ऐप बिफोर अपीयरिंग फॉर द काउंसलिंग सेशन. दे कैन आइदर यूज अ लैपटॉप डेस्कटॉप विद वेबकैम और ए स्मार्टफोन टू जॉइन द मीटिंग टू हैव ए फेस टू फेस सेशन विद द काउंसलिंग बोर्ड. ओके, कैंडिडेट विद गेट द लिंक टू अटेंड द काउंसलिंग काउंसलिंग वन डे इन एडवांस ऑफ द शेड्यूल काउंसलिंग. यानी कि यार आपका जिस दिन काउंसलिंग होगा उससे एक दिन पहले ही आपकी मेल आईडी पे जो है आपका जूम का लिंक आ जाएगा. विश्व भारती विल नॉट बी रेस्पॉन्सिबल फॉर नॉट रिसीविंग द मीटिंग लिंक ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग ड्यू टू एंटरिंग इनकरेक्ट ईमेल आईडी. तो अगर आपने ईमेल आईडी गलत डाल रखा है तो उससे इनका कोई लेना देना नहीं है. कैंडिडेट शुड ज्वाइन विद देयर ओन नेम फॉर वर्चुअल काउंसलिंग. ये बहुत सारे लोग लगा के रखते हैं ना, पबजी गेमर, मियाँ खलीफा, ठीक है, बहुत सारे लोग ध्यान रखना, ठीक है. बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि पबजी एंड गेम वगैरह खेलते हैं, तो अपना जो प्रॉपर नेम है जो कि आपका रजिस्टर्ड है वही आपकी जस्ट लाइक उसके ऊपर लगा हुआ रहना चाहिए. कैंडिडेट शुड ज्वाइन देयर ओन नेम फॉर वर्चुअल काउंसलिंग, ठीक है, ऑन टाइम. And the admission process through video conference shall be recorded on the counseling day. Meeting link will open 20 minutes before the start of counseling session. To avoid technical issue, the Zoom session minimum 15 minutes before the counseling session start. The joining in the counseling session and request for consideration will not be entertained aloud. तो यार ये सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जस्ट लाइक देख सकते हो. द कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू अरेंज फॉर गुड इंटरनेट कनेक्टिविटी विद सफिशिएंट डेटा ड्यूरिंग द एडमिशन काउंसलिंग. द यूनिवर्सिटी एंड द एडमिशन कमिटी विल नॉट बी रेस्पॉन्सिबल फॉर एनी नेटवर्क कनेक्टिविटी. कॉलिंग ऑर्डर फॉर एप्लीकेंट्स विल बी एज फॉलोज बोथ एक्सटर्नल एंड इंटीग्रेटेड कैंडिडेट. फर्स्ट पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट, सेकेंड जो है जनरल कैंडिडेट को, देन थर्ड ईडब्ल्यूएस, फोर्थ ओबीसी, फिफ्थ एससी, सिक्स्थ एसटी, ठीक है, उसके ऐसे लोगों को बुलाया जाएगा आपको. इट इज जस्ट लाइक नीडलेस टू कॉल ऑल द एप्लीकेंट्स ऑफ ए पर्टिकुलर प्रोग्राम फॉर अटेंडिंग द कंसर्न काउंसलिंग सेशन बेस्ड ऑन इट्स एक्सपीरियंस एंड इनटेक कैपेसिटी ऑफ ईच कैटेगरी फॉर ए पर्टिकुलर प्रोग्राम. यार जो भी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी वाले बच्चे हैं ना उनको अलग से बताया जाएगा, उनका अलग से सेशन होगा. एंड गाइडलाइन फॉर कैंडिडेट वाइल ज्वाइनिंग जूम सेशन फॉर काउंसलिंग.
आपका जो नाम है जैसे आपके एप्लीकेशन फॉर्म है वही आपके जो आप जो ज्वाइन करे हो ना उसी लिंक जो वहां पे अपियर होना चाहिए। फॉर सिक्योरिटी रीजन द टेक्निकल टीम में वेरीफाई यू आस्किंग अबाउट योर आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन कोऑपरेटिव विद टेक्निकल टीम। तो इसके लिए आप जो अपना एडमिट कार्ड स्कोर कार्ड आधार कार्ड वगैरह आप यूज कर सकते हैं। और डू नॉट यूज टू डिवाइस एट द सेम टाइम दिस मे क्रिएट इको या रिपीटेशन ऑफ साउंड। तो इसका बिल्कुल ध्यान रखिए। कैंडिडेट आर एडवाइज टू स्टे कनेक्टेड टिल देयर टर्न कम्स फॉर काउंसलिंग एंड ड्यूरिंग द काउंसलिंग यू मे आस्क क्वेश्चन बाई राइटिंग इन द चैट बॉक्स और बाई रेसिंग वर्चुअल हैंड ऑप्शन। द क्वेश्चन विल बी एड्रेस्ड अकॉर्डिंगली। द कैंडिडेट आर सपोज टू अनम्यूट देयर सिस्टम only when asked to do so by counseling board and at the time of virtual counseling candidate must have to show following any photo identity card जैसे कि वोटर आईडी कार्ड आधार कार्ड पैन कार्ड पासपोर्ट आपका जैसे कि एडमिट कार्ड हो गया आपका स्कोर कार्ड हो गया 10th 12th की मार्कशीट वगैरह डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट सीयूटी स्कोर कार्ड आपके सारे देखेंगे यार जो भी आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट डोमिसाइल सर्टिफिकेट सब कुछ। फेलियर ऑफ प्रेजेंटिंग एनी डॉक्यूमेंट्स स्टे अबव विल बी ऑटोमेटिकली कैंसल द कैंडिडेट नो एक्स्ट्रा टाइम विल बी जनरेटेड। तो आपसे भी इसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने डॉक्यूमेंट वगैरह सारे के सारे जो है प्रिपेयर करके रखें। ठीक है यार ये इंस्ट्रक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। देख सकते हो कितना लंबा 14 पेज का इन लोगों ने इंस्ट्रक्शन डाला है रिगार्डिंग द काउंसलिंग। तो यार सारे के सारे बच्चे इसको बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे। आपके पास सारे के सारे प्रॉपर डॉक्यूमेंट होने चाहिए। हालांकि लोगों ने अलग अलग लैंग्वेज के अंदर इन सबको जो है कंसिडर करके डाला है जितने भी लैंग्वेज में डाल सकते थे सभी के अंदर इन लोगों ने इसको ट्रांसलेट किया है और फिर ये डाला है। ये एक अच्छी पहल है इन लोगों की। ठीक है उसके बाद यार आपके अलग अलग डिपार्टमेंट के आप देख सकते हो यहाँ पे होम पेज पे जाके मेरिट लिस्ट जो भी है यहाँ पे दी गई है तो आप यहाँ पे देख सकते हो। आपको नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद यहाँ पे न्यू पे क्लिक कर सकते हो। ठीक है जैसा कि मैं इसको थोड़ा सा देख सकते हो यहाँ पे दिया गया कि आपके अलग अलग भवन के अंदर आपकी मेरिट लिस्ट रिलीज की गई है। तो यहाँ पे बक्शा भवन है कोई एक सेकेंड विद्या भवन बक्शा भवन शिक्षा 17। ठीक है तो यहाँ पे रशियन वगैरह कुछ कोर्सेज की भी लिस्टें आई है। तो डियर स्टूडेंट ये देख सकते हो अलग अलग कोर्सेज हैं यहाँ पे। ठीक है अंडर ग्रेजुएट के अंदर इंटरनल एक्सटर्नल जो भी आप लोग देख सकते हैं। वेयर टू सबमिट देयर ऑब्जर्वेशन ऑन द प्रोविजनल मेरिट लिस्ट थ्रू दिस ईमेल आईडी। अगर आपको कुछ इश्यू लगता है तो आप इस ईमेल पे अपडेट कर सकते हैं लोगों को विद इन 2 डेज यानी कि आपके पास सिर्फ 22 तारीख तक का टाइम था। यहाँ पे यार अगर मैं बात करूँ तो जैसे फ्रेंच हो गया यार ये बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि स्पेशल लैंग्वेज कोर्स में इंटरेस्टेड है बहुत सारे जिनके अगर काफी लो स्कोर हो या फिर काफी अच्छा स्कोर हो वो हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकता है। इसके साथ ही यार जिन लोगों ने सीयूटी एडमिशन व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया वहाँ पे हम आपको पूरी अपडेट देते हैं रिगार्डिंग द एडमिशन प्रोसेस। जैसा कि देख सकते हो ये बच्चे ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और यार ये लोग यूनिवर्सिटी वाले पता नहीं क्या वेरिफिकेशन वगैरह क्या क्या कर रहे हैं ये तो जो कि बहुत ही ज्यादा गलत लग रहा है मेरे को। ठीक है ओके गाइस थैंक यू सो मच। और भी आप लोगों का कोई क्वारी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आपकी जो काउंसलिंग है वो जल्दी कंडक्ट हो जाएगी ऑनलाइन मोड पे कंडक्ट होगी तो डोंट वरी कुछ वैसे नहीं होता। ठीक है और आपको ये लोग पूरा सपोर्ट करते हैं रिगार्डिंग द एडमिशन। ठीक है और हाँ आप अपने डॉक्यूमेंट वगैरह सारे के सारे एक साथ लेके बैठेंगे। ठीक है